2030 तक रेलवे को शून्य कार्बन उत्सर्जन जन परिवहन बनाने के लक्ष्य की ओर भारतीय रेल तेजी से अग्रसर है। इस दिशा में किए जा रहे अन्य प्रयासों के अलावा भारतीय रेल ने 225 केवी शंटिंग इंजन भी तैयार किए हैं। पश्चिम बंगाल स्थित कांचरा पारा वर्कशॉप द्वारा तैयार किए गए ये इंजन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होने के साथ बैटरी से भी संचालित किए जा सकेंगे। कांचरा पारा धुआं रहित इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन प्रणाली देने वाली देश की पहली रेल वर्कशॉप बन गई है। ऊर्जा कुशल इंजन निर्माण की दिशा में जबलपुर मंडल ने भी बैटरी चलित ड्यूअल मोड शंटिंग लोको तैयार किया है। पिछले वर्ष नवदूत नाम के इस लोकोमोटिव का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय रेल के विश्व की पहली ग्रीन रेल बनाने के प्रयासों में ये उपलब्धियां काफी महत्वपूर्ण साबित होंगी। आने वाले दिनों में ये इंजन जीवाश्म ईंधन और इलेक्ट्रिसिटी की खपत को भी कम से कम करने में मददगार साबित होंगे। भारतीय रेल तेजी से अपनी ऊर्जा जरूरतों को वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों से पूरा करने की कोशिश कर रही है। इस कड़ी में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेलवे की खाली जमीनों पर सोलर प्लांट लगाकर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, ताकि तेजी से बढ़ रहे विद्युत आधारित रेल मार्गों पर सौर ऊर्जा से ट्रेनों को चलाया जा सके। इसके अलावा एक सोलर पैनल आधारित ट्रेन का भी निर्माण किया है, जो सीधे सौर ऊर्जा से संचालित हो सकती है। 8 डिब्बों वाली इस ट्रेन का सफल परीक्षण किया जा चुका है। इन प्रयासों से रेल परिवहन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम से कम किया जा सकेगा और भारतीय रेल 2030 के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी। भारतीय रेल, ग्रीन रेल, क्लीन रेल।